चाहे उनको कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं घाव चोट लग जाए, वो यहाँ किसी न किसी के थ्रू जहाँ पर उनको भिजवा के वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। उनका कैसा योगदान रहा है इन डॉक्टर्स के लिए और आपके लिए? या नमस्ते, मैं डॉक्टर मरगज। आज हमारे पेट क्लिनिक का आज फर्स्ट एनिवर्सरी है और हम लोग ने इधर बेवरली पार्क में स्टार्ट करके एक बरस पूरा हुआ है, लेकिन मैं मोजेस चिनप्पा सर को लास्ट 20 ईयर से जानता हूँ एंड मुझे मालूम है कि उन्होंने स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स के लिए बहुत हमेशा वो हेल्पफुल रहे हैं। हमारे इधर वो बहुत सारा टाइम वो स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को बेचते हैं और उसका खर्चा भी वो उठाते हैं, तो कभी भी मतलब दिन रात कभी भी उनके पास इंक्वायरी आ जाते हैं तो हमारे इधर भेजते हैं। और हम लोग ने देखा है कि वो बहुत मतलब जो काम करते हैं वो बहुत सराहनीय है। उनके साथ अभिजीत दास भी वो सपोर्ट में रहते हैं और हम मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। है कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसे महीनों में कितने डॉग्स वो आपके पास भेजते हैं उनकी हेल्प के लिए? ऑलमोस्ट महीने में 100-200 डॉग्स कैट्स उनकी तरफ से आते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स है जिनको रोड पे मतलब कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो उसके चार्जेस कौन करता है? उसके चार्जेस फुल्ली इट इज बेयर्ड बाय चिनप्पा सर, मुझे चिनप्पा सर। आप तो काफी सालों से ये जो रोड पे कुत्ते घूमते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे कुत्ते हो, कहीं भी आपको फोन आता है, वो आप कहीं भी रहते हो, अगर आप दूर रहते हो तो लोगों को भेज के अपने लोगों को भेज को उसका ट्रीटमेंट कराते हो या फिर अपने घर भी लेके चले आते हो, ये जो भावना एक जागती है, समाज सेवक हो आप, ऑफिशियल से बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी हर एक समाज के व्यक्ति के लिए, हर एक जात धर्म को देखते नहीं हो आप डॉगी के लिए और बिल्ली के लिए भी काम कर रहे हो, देखिए कोई भी इंसान हो या जानवर हो, जब वो मुसीबत में होता है, हेल्पलेस होता है, मेरा नहीं, हम सभी के दिल में उनके लिए भावना आती है। और मैं कहूँगा कि काफ़ी लोगों को लगता है कि मुश्किल है, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप जब पुणे जा रहे हो, पनवेल जा रहे हो, रास्ते में अगर कोई डॉगी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी लाश पड़ी है, आप बोलते हैं अरे ये लाश पड़ी है, आप गाड़ी से उतरे, अपने ड्राइवर को या आजू बाजू में कोई होगा उसका हेल्प लेके उस लाश को बाजू में रख सकते हो, सबसे पहला वो सोल्यूशन है। दूसरी बात, जब डॉग्स आपके इंजर्ड हो, बैडली इंजर्ड हो, कुछ हो, काफ़ी NGOs है, मैं इन्हें कहूँगा खाली मैं मीरा भाईंदर में सक्षम हूँ, मेरे जैसे कम से कम 2-3 dozen से ज़्यादा लोग हैं जो शायद मेरे जैसा फेसबुक पे या सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है। मैंने एक्टिव इसके लिए किया ताकि लोग मुझे अप्रोच कर सके। अब मैं तो छोटा योगदान दे रहा हूँ, पूरा सराहना जाता है डॉक्टर मरगज को, क्योंकि सबसे पहला बात आती है खर्चे की। जब आप कोई पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में इंसान को लेके जाते हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में और सस्ते में इलाज हो जाता है। मैं तो कहूँगा डॉक्टर मरगज एक उदाहरण है, नगर पालिका इनको ऑफिशियली कुछ पोस्ट देनी चाहिए ताकि और खुल के और नगर पालिका के सपोर्ट से वो डॉगी और कैट्स को इलाज कर सके, क्योंकि इनका जो बिल्स आता है मैं कभी डिटेल में नहीं चेक करता हूँ, पर इन्होंने जो अभी कहा मैं 100-200 डॉग्स भेजता हूँ, एक अप्रॉक्सीमेट 50-60 तो एक दो हफ्ते में आ ही जाते करके, क्योंकि वो लोग खाली फ़ोन करते हैं हमारा डॉग ही है, गिरा हुआ है, बीमार है, क्या करा, मुझे पता है अगर मैं यहाँ नहीं भेजूँ तो वो उस चीज़ को वो वहीं छोड़ देंगे। मेन आता है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इनके चार्जेस होते हैं शायद वो नॉमिनल चार्ज लेते हैं, आज की तारीख में ये 100 रुपये या 150 रुपये में डॉग का ट्रीटमेंट करते हैं, अनलेस वो मेजर सर्जरी हो जहाँ पर हमको पनवेल भेजना पड़ता है या पूना या थाना भेजना पड़ता है। तो डॉक्टर मरगज जैसे और इस शहर में 2-3 डॉक्टर्स और थे, मैं तो कहूँगा ऊपरवाले से दुआ कि और 10 डॉक्टर जैसे होने चाहिए ताकि ये इलाज हो सके। और सब एनिमल लवर्स को मैं कहूँगा कि किसी भी डॉग या कैट को देख के आप ये मत सोचो कि इसका बहुत बड़ा हेडेक है, नहीं है, कुदरती आप देखोगे कि इंसान से ज़्यादा एनिमल जल्दी सुधर जाते हैं। आज अगर कितने बीमारी एनिमल्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उनको सर्दी खांसी मलेरिया तो हमको पता भी नहीं चलता है, पर जब वो ब्लीड हो रहे हैं, मैगोट्स हो जाते हैं या कुछ एक्सीडेंट्स होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको फर्स्ट एड दें और उनकी जान बचाएं। साथ ही में मेरे अभिजीत दास हैं, प्रोफेशनली मैं मीडिया में हूँ, हमेशा बिजी रहता हूँ, मेरा पूरा काम यही संभालते हैं, ये भी काम करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ही अवेलेबल शाम को रहते हैं मीरा भाईंदर में, तो इनके जो योगदान है वो मैं अभी एक शॉर्ट टाइम में बोल नहीं पाऊंगा, बट थैंक्स टू अभिजीत, उनके मम्मी डैडी भी आज हमारे साथ है, तो ये जो लोग हैं या ऐसे और 10-15 फैमिली मीरा भाईंदर में हो जाए तो इस शहर में जो इश्यूज़ है वो सॉर्ट हो जाएगी। और अगर ये वीडियो नगर पालिका के लोग देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप एक ज़िद पकड़ो, आपने पोलियो का ड्राइव किया है, कोविड वैक्सीन का ड्राइव किया है, पूरे इंडिया में इतने सारे वैक्सीन्स हमने 1 करोड़ के ऊपर हमने वो महाराष्ट्र में किया है, फिर ये सब फिगर्स आते हैं तो हम डॉग्स का वैक्सीन क्यों नहीं कर सकते करके। इनके जो रेबीज है, सोसाइटी में काफ़ी लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि डॉग्स हमारे पीछे आते हैं, अरे वो भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिला, उनको बुखार है, आज मुझे अगर 3 दिन बुखार रहेगा मैं दवाई नहीं लूँगा, मुझसे कोई भी बात करेगा मैं चिड़चिड़ करूँगा, वही स्वभाव आपके डॉग्स का है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि जो डॉग्स के मेडिसिन है वो इंसान जैसी है, पैरासीटामोल, लिवर 52, क्रोसिन, यही सब दवा, बेनेड्रिल, यही सब उनको भी लगता है, तो उनके भी दवाई सेम है करके। अगर आपका जब तबीयत ठीक नहीं रहता, आप हाइपर होते हैं, डॉग्स भी हाइपर होते हैं करके, तो उनका आप इलाज कराइए, उनको टाइम पे खाना दीजिए, वो क्यों आपको काटने के लिए आएंगे।
धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।